कक्षा 10 सांख्यिकी, जो कि हमारा चौदहवां अध्याय है, इसकी प्रश्नावली 14.2 का छठा प्रश्न है। एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्या से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये हमें टेबल दिया गया है। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं अधिकतम बारंबारता। तो बच्चों, यदि हम बारंबारता में देखें तो सबसे बड़ा जो संख्या है, सबसे बड़ी जो संख्या है वो है 20। इसका मतलब अधिकतम बारंबारता हो गई 20 और इससे हमें हमारा बहुलक वर्ग प्राप्त होगा 40 से 50। इस बहुलक वर्ग की जो निचली सीमा है वो है 40, यानी कि L आ गया है 40 के बराबर। और बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है वो है 20, यानी F1 आ गया है 20। बहुलक वर्ग से पहले वाली बारंबारता है 12, यानी F0 होगा 12। और इसी प्रकार से F2, यानी कि बारंबार बहुलक वर्ग से अगले वर्ग की बारंबारता, यानी कि F2, वो आ जाएगी 11। H, अब हम देखें तो सभी वर्ग हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। तो इसका जो क्लास साइज होगा वो होता है H, और वो हमें निकालेंगे 50 में से 40 को घटाकर, और वो हमें प्राप्त होगा 10। तो बहुलक का जो सूत्र है वो है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। इसमें सभी वैल्यूज को पुट करें तो हमें प्राप्त होगा L की जगह 40 प्लस F1 माइनस F0 यानी कि 20 माइनस 12 बटा 2F1 यानी 2 गुना 20 माइनस F0 यानी कि 12 और माइनस F2 यानी कि माइनस 11 और गुना H, H है 10, तो ये हो गया गुना 10 के बराबर। अगली लाइन में देखिए, बराबर 40 प्लस 20 में से 12 माइनस किया तो हमें देखिए ऊपर प्राप्त हुआ है 8 बटा 2 गुना 20 होता है 40, 40 में से 12 माइनस करने पर हमें प्राप्त होगा 28 और 28 में से 11 माइनस करने पर हमें प्राप्त होगा 17 और आगे है गुना 10। 8 गुना 10 होता है 80 और यदि 80 को 17 से भाग कर दें तो हमें प्राप्त होगा 4.7। तो अगली लाइन में हमारे पास आ गया है 40 प्लस 4.7, इन्हें प्लस करने पर हमें प्राप्त होगा 44.7। तो बच्चों, इस प्रश्न में जो हमारा बहुलक आया है वो आया है 44.7। बहुलक हमें प्राप्त हुआ है 44.7। थैंक यू।